वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो वाई टू स्टूडियो के अंदर दोस्तों हाईलाइट करके मैसेज आ रखा होता है ये किस लिए होता है, उसके साइड में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन क्यों दे रखा होता है, तो इसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि आपको ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दे रखा है, इसको आपने कैसे गेट स्टार्टेड करके इसको आपने कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा जो फॉर्म है आपको कैसे कंप्लीट करना है, सारा का सारा ट्यूटोरियल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि हम ऐसे ही नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाते रहे। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये यहाँ पे हाईलाइट करके मैसेज दे रखा है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर चेंज टू हेल्प मेक यू वेटर फॉर क्रिएटर गेट स्टार्ट विद दिस क्विक सर्वे। तो दोस्तों इस सर्वे को आपने कैसे कंप्लीट करना है और इसको दोस्तों आपने क्यों कंप्लीट करना है, तो चलिए दोस्तों आपने इस सर्वे को कैसे कंप्लीट करना है, इसको कैसे फील करना है, इसका क्या क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका फायदा बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये जो फॉर्म है इसको आपको फील करके दिखा देता हूँ कि आपने इस फॉर्म को कैसे फील करना है। इसका फायदा दोस्तों यही होता है कि जब आप इस सर्वे को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो चैनल है, आपका जो वीडियो है, जिस भी कैटेगरी की आप वीडियो डालते हो उस कैटेगरी के हिसाब से आपके प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियो के हिसाब से व्यू आता है। और इस सर्वे को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अच्छे खासे व्यू देखने को मिल जाते हैं, तो इस सर्वे को दोस्तों कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आपने इस सर्वे को कंप्लीट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, तो ज्यादा टाइम ना लेती हूँ आपको। तो दोस्तों हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सिंपल सा आपने क्या करना है, अपने वाई टू स्टूडियो को ओपन कर लेना है या अपने क्रोम ब्राउजर में जाके क्रोम ब्राउजर से वहां से वाई टू स्टूडियो लॉग इन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ वाई टू स्टूडियो, तो आपने वाई टू स्टूडियो पे ओके करना है। जैसे दोस्तों आप वाई टू स्टूडियो को ओपन करोगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस टाइप से आपके पास हाईलाइट करके ये मैसेज आया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में गेट स्टार्ट। तो आपने क्या करना है, इस पे गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टच कर देना। जैसे दोस्तों आप गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे टच करोगे तो आपको ये दोस्तों एक साइड के ऊपर ले जाएगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी। तो इस सर्वे को आपने कम्प्लीट कैसे करना है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपने इंग्लिश चॉइस कर लेना है, अगर आपको हिंदी आती है तो आपने हिंदी पे टच कर लेना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो बना रखे हैं, वो भी मैंने हिंदी में आपको टोटली बताया है कैसे इसको कंप्लीट करना है, तो इसको भी मैं हिंदी पे टच करूंगा और यहाँ पे स्क्रीन को ऊपर करूंगा। स्क्रीन को ऊपर करने के बाद यहाँ पे अगला पे टच कर दूंगा। अगला पे टच करने के बाद दोस्तों फिर से कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने दोस्तों इसको बैक नहीं करना है, अगर आप इसको बैक कर दोगे तो ये जो आपका सर्वे है ये यहाँ से बंद हो जाएगा। जब दोस्तों आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको वाई टू स्टूडियो के अंदर वापस ले जाएगा, आपने खुद से इसको बैक नहीं करना है। अगर खुद से बैक करोगे तो ये डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस होने के बाद 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर से आपको वहां पे नोटिफिकेशन आएगा सर्वे को कंप्लीट करने के लिए, फिर आप दोबारा से उसको सर्वे को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बात दोस्तों आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरा सर्वे रह गया है, मेरा सर्वे पूरा नहीं हुआ है, मेरा सर्वे बीच में से कट गया है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे फोन वगैरह भी आता है, अगर आप इसको बैक भी करते हो तो भी ये दोस्तों यहाँ पे सर्वे आपका आधा रह जाएगा, तो आपका सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैं जल्दी से आपको ये कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। इसको आपने बस मैं सहमत हूँ पे टच करना है, आगे करना है, उसके बाद बहुत संतुष्ट है इस पे टच करना है, अगला करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा वीडियो क्रिएटर के तौर पर आप यूट्यूब से बहुत संतुष्ट क्यों हो। तो आपने यहाँ पे दोस्तों नेचुरल कुछ भी आप अपना सवाल जवाब यहाँ पे रख सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हर सूचना नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाती है। कुछ इस टाइप से आपने लिख लेना है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो कुछ इस टाइप से आपने ऐसे ही लिख देना है और अगले पे टच कर देना है। जैसे दोस्तों आप अगले पे टच करोगे फिर से आपको ये एक सवाल पे ले जाएगा, फिर से आपने क्या करना है बहुत संतुष्ट वाले ऑप्शन पे टच करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इस पे टच किए जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, हिंदी में है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में है सब कुछ लिखा हुआ। तो आपने सबसे पहले इनको पढ़ लेना है, आप पढ़ के ऐसे टच करके इसको अगला कर सकते हो। तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जल्दी से ये टच करके यहाँ पे अगला करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एक सवाल के ऊपर और ले आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसको सबसे पहले आपने पढ़ लेना है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको आपने पढ़ना क्यों है, क्योंकि आपको भी पता लग सके ये जो सर्वेर है किस लिए है और क्या इसमें लिखा हुआ है और इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, उसी हिसाब से आपने इस सर्वे को कंप्लीट करना है। इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है, बताएं कि YouTube इस्तेमाल करने के आपके अनुभव में यह पहलू कितने जरूरी हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे अपना सवाल जवाब रख सकते हो। यहाँ पे लिखा है बिल्कुल जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़े जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपने बहुत जरूरी भी टच करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आंसर आ गया, यूट्यूब पर दर्शकों तक पहुंचने की क्षमता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया। और उसके बाद क्रिएटर के तौर पर आपको यूट्यूब की तरफ से मिलने वाली सूचनाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ गया, यूट्यूब नीतियाँ बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद आ गया कंटेंट मैनेज करने के लिए यूट्यूब के टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आ गया यूट्यूब में मिलने वाली सहायताएं, शिक्षा से जुड़े संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मतलब कि आपको ट्यूटोरियल सारा का सारा जरूरी ट्यूटोरियल है, तो आपने ये सारा का सारा ट्यूटोरियल जो है आपने क्लिक कर देना है कुछ इस टाइप से जैसे मैं कर रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब से कमाई करने के तरीकों को समझना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ हद तक आसान। उसके बाद फिर से स्क्रीन ऊपर करोगे और लिखा हुआ है यूट्यूब से होने वाली कमाई ने आपको आर्थिक तौर पर कितना मजबूत किया है, तो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल नहीं, बहुत कम, तो आपने क्या करना, बहुत कम गतिविधियों में मुझे बहुत कम कमाई होती है। उसके बाद स्क्रीन को ऊपर करना है, अगला कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपने इसको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया, यूट्यूब से होने वाली कमाई से आप किस हद तक संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट, कुछ हद तक संतुष्ट। अगर आपको ज्यादा कमाई हो रही है तो आपने कर देना बहुत संतुष्ट, अगर आपको कम कमाई हो रही है तो आपने करना है कुछ हद तक का संतुष्ट। उसके बाद फिर से ऊपर स्क्रीन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब से कमाई करना शुरू करने से जुड़ी शर्तों से आप किस हद तक संतुष्ट हो, तो आपने क्या करना है, कुछ हद तक संतुष्ट। उसके बाद स्क्रीन ऊपर करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्यूब पार्टनर कार्यक्रम से आपके किस हद तक संतुष्ट हैं, तो आपने क्या करना है, कार्यक्रम से बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। उसके बाद फिर से आगे करना है और यहाँ पे नीचे लास्ट में आपको कुछ सवाल डालना होगा। आप अपने हिसाब से यूट्यूब को अपना सवाल भी यहाँ पे साझा कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छा और कर सकता है, अगर आपके मन में कोई और सवाल जवाब चल रहा है कि अगर यूट्यूब में ये चीज़ होती तो ये और अच्छा प्लेटफॉर्म होता, या अगर इसमें और ये वाली चीज़ होती तो इसमें ज़्यादा अर्निंग होनी थी, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज आपको कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप अपनी राय रखो, ठीक है। स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगला कर देना है। अगला जैसे दोस्तों आप करोगे, फिर से आपको ये एक प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा और वहाँ पे एक फिर से सवाल आएगा जो कि कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए उपलब्ध यूट्यूब टूल से आप किस हद तक संतुष्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत संतुष्ट है, फिर से स्क्रीन ऊपर करोगे, फिर से बहुत संतुष्ट है, फिर से स्क्रीन ऊपर करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपने कमिटमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी समझ कितनी अच्छी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी। उसके बाद स्क्रीन को फिर से ऊपर करोगे, स्क्रीन को ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल को आगे बढ़ाने से जुड़े आपके फैसलों में यूट्यूब स्टूडियो से मिलने वाली जानकारी का कितना इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, तो आप यहाँ पे हमेशा करके ऑप्शन ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद फिर से स्क्रीन को ऊपर करोगे, स्क्रीन को ऊपर करने के बाद बहुत ज़्यादा संतुष्ट है उस पर टच करोगे, फिर स्क्रीन को ऊपर करोगे और यहाँ पे लिख देना आपने बहुत आसान, फिर स्क्रीन को ऊपर करोगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है देना, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है इसका जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब है या आपकी कोई राय है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना है, इसको अगला पे टच कर देना है। जैसे अगला पे टच करोगे तो ये आगे आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, उस पर आपने सिंपल सा बहुत आसान पर टच करना है, फिर से आपने स्क्रीन को ऊपर करना है और यहाँ पे लिखा हुआ पिछले 6 महीने में आपने यूट्यूब क्रिएटर के इन सपोर्ट सिस्टम में से किस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है आपने किस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, वो आपने यहाँ पे टच करके डाल देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ यूट्यूब क्रिएटर चैनल अपडेट खबरों की शिक्षा और अधिकारी चैनल, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को ऊपर करके ये सारा सारा जो ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपने इसमें इस्तेमाल किया है उसका आपने यहाँ पे टच करके अगला पे टच कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपने यूट्यूब का सहायता केंद्र पे टच करना है, उसके बाद अगला पे टच कर देना है। अगला पे टच करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपने फिर संतुष्ट वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पे नीचे फिर से लिखा हुआ है इसका जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, तो आपने फिर से अगला पे टच कर देना है। अगला पे टच करने के बाद दोस्तों फिर से ये यहाँ पे आ गया, आपने क्या करना है, यहाँ पे पूरी तरह सहमत पे टच करना है, फिर से ऊपर जाना है, फिर संतुष्ट पे टच करना है, फिर स्क्रीन को ऊपर करना है, फिर बहुत आसान पे टच करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, काफी ज्यादा मददगार, बहुत मददगार, आपने बहुत मददगार पे टच करना है, फिर उसके बाद स्क्रीन को ऊपर करना है, फिर बहुत संतुष्ट पे टच करना है, फिर आपने बहुत ज्यादा पे करना है, उसके बाद स्क्रीन को ऊपर करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन को टच करना है, अगले पे टच करना है। अगले पे टच करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से फिर इंटरफेस आ जाएगा, बहुत आसान करना है, फिर स्क्रीन को ऊपर करना है, बहुत संतुष्ट करना है, फिर स्क्रीन को ऊपर करना है, बहुत ज्यादा भरोसा, बहुत भरोसा, फिर ऊपर स्क्रीन को ऊपर करना है, फिर बिल्कुल निष्पक्ष, फिर आपने यहाँ पे टच करना है, फिर उसके बाद ऊपर टच करना है, फिर पॉल से जुड़े सवाल होने पर यूट्यूब कितना मददगार है, काफी मददगार, बहुत मददगार पे टच करना है, फिर उसके बाद ऊपर करना है, फिर उसके बाद पूरी संभावना है, उसके बाद आगे करना है, फिर संतुष्ट पे टच करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, अगला कर देना है। अगला करने के बाद दोस्तों फिर से ये आपको एक पेज पर ले जाएगा, फिर इस पे आसान पे करना है, फिर ऊपर करना है स्क्रीन को, उसके बाद यहाँ पे लिखना है पूरी तरह सहमत, फिर ऊपर करना है स्क्रीन को, कुछ हद तक निष्पक्ष पे टच करना है, फिर स्क्रीन को ऊपर करना है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है
बताएं कि आप किस हद तक सहमत हैं या असहमत हैं दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए YouTube सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। पूरी तरह सहमत हैं, उसके बाद स्क्रीन को ऊपर करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतियोगी चैनलों की वजह से यूट्यूब पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने में कितनी मुश्किल होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मुश्किल होती है, टच करना है। उसके बाद ऊपर करना है। फिर यहाँ पे इसका जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, अगले पे टच करना है। फिर उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे फिर एक सवाल आ जाएगा, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है, इस पे टच करना है। फिर ऊपर करना है, इस पे क्या करना है आपने, कोई संभावना नहीं है, इस पे टच करना है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद कर दें या कम कर दें, इसकी कितनी संभावना है। तो आपने क्या करना है, कोई संभावना नहीं है, इस पे टच करना है। फिर उसके बाद स्क्रीन को ऊपर करना है, इस पे लिखा हुआ है, इस बात की कितनी संभावना है कि आप अपने 6 महीने में आपका कंटेंट यूट्यूब के मुकाबले दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा अपलोड किया जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ी संभावना है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हम अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने थोड़ी संभावना लिख देना है, अगर नहीं करते तो आपने लिख देना है यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे थोड़ी संभावना है, इस पे टच करके स्क्रीन को ऊपर करना है। फिर यहाँ पे आपने पढ़ लेना है, आज आपने मुख्य यूट्यूब चैनल पर कंटेंट क्रिएटर करने की प्रक्रिया मुख्य तौर पर आपको कहाँ से मिली। हम समझते हैं कि आपको प्रेरित करने वाली बहुत सी वजह हो सकती हैं, लेकिन वह वजह चुनें जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आपने यहाँ पे देख लेना है क्या लिखा हुआ है, अपने जुनून को दूसरों के सामने पेश करना, इस पे टच करना है। आप इस पे भी टच कर सकते हो या इस पे भी टच कर सकते हो, दोनों में से किसी पे भी टच कर सकते हो। उसके बाद आपने स्क्रीन को ऊपर करना है और बहुत अच्छा इस पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात की कितनी संभावना है कि आप अपने 6 महीने में प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है थोड़ी संभावना है, इस पे टच करना है। उसके बाद अगला कर देना है। अगला करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। जो भी आपके पास अदर प्लेटफॉर्म चलता है, अगर मान लो आपके पास इंस्टाग्राम चलता है या फेसबुक चलता है या और कोई अदर प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो उस पर आपने क्या करना है, टच करना है। हमारे पास इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे टच करेंगे और इसको आगे कर देंगे। आगे करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे आ गए इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेसबुक। ठीक है, इसको टच करेंगे, आगे करेंगे। आगे करने के बाद जैसे आपका दोस्तों सर्वेयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा, हम आपको सर्वेयर में भाग लेने हेतु समय निकालने के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके जवाब दर्ज कर लिए गए हैं। तो आपका यहाँ पे दोस्तों ये सर्वेयर है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने वाइट स्टूडियो के अंदर ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप वाइट स्टूडियो के ऊपर एंटर करोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पहले आपको यहाँ पे टेक द सर्वे स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा था वो हट जाएगा और आपका जो सर्वेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी आप अपने वीडियो यहाँ पे डालोगे तो उस पर अच्छे खासे व्यू देखने को मिलेंगे। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।